हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। देश में आए दिन पत्रकारों पर हो रहे हमले और पत्रकारों के खिलाफ बिना जांच के दर्ज किए जा रहे मुकदमों के चलते विदिशा के लटेरी में एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के पत्रकार सदस्यों ने लटेरी थाना पहुंचकर थाना प्रभारी काशीराम कुशवा को एसपी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि पत्रकारों पर हो रहे हमले और पत्रकारों पर बिना जाँच के दर्ज किए जा रहे मुकदमों के कारण पत्रकारों में घटना को लेकर रोष बना हुआ है। इसी को देखते हुए हम समस्त पत्रकार साथी शासन से मांग कर पत्रकारों के हित के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। दिया गया है आज थाना प्रभारी। मध्य प्रदेश में आए दिन पत्रकारों के यहाँ वहाँ हमले होते रहते हैं और हमलों से उनकी कोई सुरक्षा है नहीं है, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार जितनी जल्दी से जल्दी हो सके शासन को बनाना चाहिए। शासन शीघ्र ये सोच ध्यान दे और पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून बनाए। कौन से संगठन के माध्यम से ये ज्ञापन दिया? वैसे ये तो हमने मध्य प्रदेश वर्किंग एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की ओर से ज्ञापन दिया है और प्रदेश के सभी संगठन इस बात की मांग कर रहे हैं, इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।